नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से की मारपीट। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में शुक्रवार दोपहर को दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की घटना का मामला सामने आया है। दो नकाबपोश बदमाश महिला को घर में अकेली देख अंदर घुसे और उसे अंदर धकेलने लगे और उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिससे महिला गिरी तो बाएं हाथ में चोट आ गई। इस दौरान जब महिला पर बदमाश हावी होने लगे तो उसने चीखना शुरू कर दिया, इससे बदमाशों के हाथ पैर फूल गए और वह भागने लगे। इस पर महिला उठी और बदमाशों के पीछे दरवाजे तक भागती हुई आई। इस दौरान आस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए, लेकिन बदमाशों को पकड़ा नहीं जा सका, न ही उनका कोई सुराग हाथ लगा है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर की फरसा कॉलोनी बटवाल पाड़ा निवासी बुजुर्ग 70 वर्षीय महिला मिथिलेश पत्नी स्वर्गीय सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि वह घर पर अकेली रहती है। घटना शुक्रवार की दोपहर 11 से 12 बजे के बीच की है। महिला अपने घर पर रसोई में खाना बना रही थी। घर का दरवाजा रोज की तरह खुला हुआ था। इस दौरान दो नकाबपोश बदमाश घर के अंदर घुसे और रसोई तक आ गए। उन्होंने आते ही महिला से कहा कि तुमने जो मुकदमा किया है उसे वापस ले ले, अन्यथा तुझे बुरा परिणाम भुगतना होगा। इस पर महिला रसोई से निकली और कहने लगी, मैंने कोई मुकदमा नहीं किया, तुम कौन हो, पहले बाहर निकलो, बाहर बात करेंगे। इस पर उन्होंने महिला को भयभीत करने के लिए थप्पड़ मारे, जिससे वह गिर गई। लेकिन महिला ने नरेश नरेश चिल्लाते हुए चीखना शुरू कर दिया। इस पर बदमाश भाग गए। घटना के बाद आस पड़ोस के लोगों ने एकत्रित होकर इधर उधर बदमाशों की तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। महिला के घर में और आसपास के क्षेत्र में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होने से वारदात और आरोपी बदमाशों का पता नहीं लगा है। घटना को लेकर पीड़ित मिथिलेश पत्नी स्वर्गीय सत्यप्रकाश श्रीवास्तव निवासी बटवाल पाड़ा फरसा कॉलोनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।